इंडिया में सेकंड नंबर पे एडवेंट था डचेस का। तो ये जब इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया 1602 में, और इन्होंने अपनी फैक्ट्री सेटअप किया कहाँ पर, मसूली पट्टम में 1605 में, पुलिकट में 1610 में, सूरत में 1616 में, बिमली पाटम में 1641 में, कैराकाल में 1645 में, चिन शुरू में 1653 में, कासिम बाजार, बारानागौर, पटना, बालासोर, नेगापट्टम, इन सब जगहों पे 1658 में इन्होंने फैक्ट्रियाँ बनाई, और कोचीन में 1663 में। तो इनका आपका डेट याद रखना जरूरी है, क्यों, क्योंकि डेट से आपको क्रोनोलॉजी पूछता है कि आप बताएं कि पहली फैक्ट्री इन्होंने कैसे बनाया, क्वेश्चन भी आए होंगे काफ़ी। देखिए यहाँ पर डच ने क्या किया, पुर्तगीज़ को डोमिनेट कर दिया पूरी तरह से, और दूसरे नंबर पे क्या हुआ, इन्होंने पुलिकट को सेंटर बनाया 1690 में, उसके बाद जो है चेंज करके नेगापट्टम को इन्होंने कैपिटल बना लिया। इसके बाद क्या होता है कि डच को जो है एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी, जिसको बैटल ऑफ बेडरा 1759 में होगा। तो जब बैटल ऑफ बेडरा होगा तो डच जो है हार जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जीत जाएगी ब्रिटेन की, तो इसे जो है ब्रिटिश जो है डोमिनेट कर जाएंगे। तो आगे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा।